गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू BEFORE, बिफोर BETWEEN, बिटवीन AFTER, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर. यू राइट डाउन द क्लास वर्क एंड डेट, देन सी, लुक एट द नंबर 4 ऑन द नंबर लाइन. यानी नंबर 4 को देखो नंबर लाइन में, ये 0 से 9 तक की लंबवत लाइन दी है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. द नंबर 3, ये नंबर 3 है, वो किसके आगे है, लेफ्ट साइड, 4 के लेफ्ट साइड में है और जस्ट एक ही नंबर आगे है. सो 3 कम्स, COMES कम्स, JUST जस्ट, BEFORE बिफोर 4. तो 3 जो है वो जस्ट 4 के आगे ही आता है नंबर लाइन में. देखो 0, 1, 2, 3, 3 के बाद ही 4 आता है और 4 के बाद क्या आता है, 5. द नंबर 5 इज ऑन द राइट ऑफ, देखो 4 के राइट साइड में क्या है, नंबर 5, राइट ऑफ नंबर 4. 4 के राइट साइड में 5 है और 4 के लेफ्ट साइड में 3 है, तो उसे कैसे बोलेंगे. सो 5 कम्स, COMES कम्स, जस्ट, JUST जस्ट, AFTER आफ्टर 4. यानी 5 के बाद जस्ट 5, 4 के बाद 5 आता है. क्या आता है, यहाँ 4 के बाद ही 5 आता है. देखो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8 and 9. द नंबर 4, नंबर 4 इज इन BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, 3 and 5. नंबर 4 जो है वो 3 और 5 के बीच में है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, बिटवीन नंबर. देखो यहाँ 3, 4, 5, तो 4 बीच में, 4 के आगे 3 है, 4 के बाद 5 है, तो बिफोर नंबर 3 हुआ, आफ्टर नंबर 5 हुआ. सो एक्सरसाइज 5, यू राइट डाउन द क्लास वर्क एंड डेट. विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 5, WHICH विच, यानी कौन सा नंबर, NUMBER नंबर, कम्स, COMES कम्स, JUST जस्ट, BEFORE बिफोर 5. 5 के आगे कौन सा नंबर आएगा नंबर लाइन में, देखो यहाँ 5 के आगे कौन सा नंबर है, 4. सो हियर इट इज 4, 5 and 6 इज गिवन. विच नंबर कम्स, WHICH विच, NUMBER नंबर, COMES कम्स जस्ट आफ्टर, यानी 2 के बाद, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, JUST जस्ट आफ्टर 2, 1, 2 के बाद क्या आता है, 3. देखो नंबर लाइन में भी 1, 2 and 3 है, सो 1, 2 and 3. वॉट कम्स, WHAT वॉट, COMES कम्स, INN, BETWEEN, बिटवीन 7 and 9. 7 और 9 के बीच क्या आता है, 7 के बाद आता है 8 और 9 के पहले आता है 8, तो बिटवीन नंबर कौन सा हुआ, 8, 7, 8 and 9. वॉट कम्स इन बिटवीन 7 and 9, सो इट इज 8, 7, 8 and 9. सर्कल ऑल, CIRCLE, सर्कल, ALL, ऑल द नंबर्स विच कम आफ्टर 3. तो यहाँ पे बॉक्स में नंबर्स दिए हैं, देखो 1, 4, 2, 8, 5, जो 3 के बाद आता है वो नंबर्स को हमें सर्कल, क्या कहा है, सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम आफ्टर 3. 3 के बाद कौन से नंबर आते हैं, 1 और 2, वो तो 3 के पहले आते हैं, 4, यस, 5 and 8, ये 4, 5 and 8 है जो 3 के बाद आते हैं. देखो नंबर लाइन में, देखो 3 के पहले 1 and 2, 0, 1 and 2, 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो यहाँ पे जो नंबर्स है उसमें से 4, 5 and 8 कम्स आफ्टर 3. CIRCLE, सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम बिफोर 7. तो 7 के पहले जो नंबर, ये बॉक्स में जो नंबर्स दिए हैं, 7 के पहले कौन से नंबर आते हैं उसको हमें सर्कल करना है. सीन 2, 4, 3, 8, 6, 9, तो 7 के पहले कौन से आएंगे, 8 और 9, तो उसके बाद आते हैं 2, 3, 4 and 6 comes before 7. देखो 7 के पहले जो नंबर्स हैं, 8 और 9 आफ्टर हैं, तो कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो यहाँ पे जो बॉक्स में नंबर दिए हैं उसमें से कौन से आते हैं, 2, 4, 3 and 6 कम्स बिफोर 7। सो ये एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पेज में हम करने जा रहे हैं एसेंडिंग, ASCENDING एसेंडिंग, एंड डिसेंडिंग, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ये स्कूल के स्टेयर केस है, तो यहाँ एक बच्चा स्टेयर केस चढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 क्लाइंब यानी चढ़ना, एसेंडिंग यानी ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर जाना, छोटे से बड़े नंबर जो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसको एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और बड़े से छोटे नंबर तक जब आते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सीढ़ियाँ उतरना। हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आगे आगे नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसको एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, 5, 4, 3, 2, 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, है ना। राइट द नंबर्स एक्सरसाइज 6, आपको क्लास वर्क डेट लिख के ये नंबर एक्सरसाइज करना है। WRITE राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में लिखना है हमें। यहाँ पे 1, 2 दिया है, 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 5, 6, 7 दिया गया है, तो उसके बाद आएगा 8 and 9, तो ये छोटे से बड़ा हुआ। WRITE राइट द नंबर्स NUMBERS नंबर्स इन डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, 9, 8 उसके बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2 इज गिवन एंड 1। यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। ओके, सो दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड इन टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 25। देन सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन पेज नंबर 26। What comes just after 3? WHAT what? COMES comes, JUST just, AFTER after 3. तो 3 के बाद क्या आता है, नंबर लाइन में हमने देखा था 3 के बाद 4। Which is greater, 5 or 2? Greater यानी मैंने आगे आपको समझाया हुआ है, greater यानी बड़ा। ये दो नंबर है 5 or 2, तो नंबर लाइन में कौन पहले आता है, 2 पहले आता है, उससे बड़ा क्या होता है, 5। 3, 4 and 5 उसके बाद आता है, सो 5 इज ग्रेटर। विच नंबर WHICH विच NUMBER नंबर कम्स जस्ट बिफोर 9? कौन सा नंबर आता है 9 के पहले, दैट इज 8। अब रिव्यू एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे काउंट एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम, पिक्चर काउंट करके नंबर भी लिखना है और नंबर नेम। कितने टॉप्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आई हैव रिटन इट 8 एंड नंबर नेम इज EIGST 8। सी यर द टॉय टॉय कार्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 इज द नंबर एंड NINE 9 इज द नंबर नेम। देन यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ए में देखो 7 और 5 दिया है, तो 7 5 से बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन फिर अपनी मुँह ज़्यादा नंबर के पास ही खोलती है, तो ये कौन सा साइन हुआ, ग्रेटर देन, 7 is greater than 5। दोनों साइड सेम नंबर है तो कौन सी साइन आएगी, इज इक्वल टू यानी दोनों इक्वल है। 6, 8 तो 6, 8 से छोटा है, तो ये क्या साइन आई, लेस देन, 6 is less than 8। 9 and 2 9 2 से बड़ा है, तो 9 is greater than 2। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING ORDER ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, ये जो नंबर्स हैं उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 9, 3, 5, 4। तो सबसे पहले छोटा आएगा नंबर 3, उसके बाद 4, 5 and 9, अगेन आई एम रिपीटिंग 3, 4, 5 and 9। सो दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। Then descending order, write in descending order, numbers are 7, 2, 8 and 6, that means the first number will be bigger, that is 8,
then 7, then 6, then 2. From bigger to smaller, it is descending order. Then circle, C-I-R-C-L-E, circle the largest number, L-A-R-G-E-S-T, largest, N-U-M-B-E-R, number, and tick write the smallest number. Box mein numbers diye 3, 5, 6, 8, 2, 4. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2. तो वहाँ पे हमें राइट टिक करना है. सबसे बड़ा इस बॉक्स में नंबर कौन सा है? 8. सो 8 को हमने सर्कल किया. सो आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 2. ओके, इन टेक्स्ट बुक.